आजकल जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, जिस कारण बहुत सारे कार्य जो हैं वो जो है चाहे डेवलपमेंटल है, चाहे विभिन्न विभागों के कंस्ट्रक्शंस के काम हैं या अन्य जो है नियुक्तियां करनी है, ये सारे के सारे होल्ड पर हैं। परंतु बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लगने से पहले जो जिनके जो है प्रोसेस चला हुआ था, और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि इस मौसम में रूटीन में किए जाते हैं, जिन पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई भी उसमें जो है लगने का सवाल नहीं पैदा होता। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार के कार्य को, कंस्ट्रक्शन के वर्क्स को एक लिमिटेड हमारे पास सीजन है, और इस सीजन का जो मौसम के कारण लिमिट है, तो कार्य जो है अगर अभी शुरू नहीं किए जाएंगे तो बाद में ये कार्य नहीं किए जा सकते। इस तरह बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जिनमें प्रोसेस चला था नियुक्तियों का, खासकर स्कूलों को लीजिए आप, जिसमें पूरे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गया, अब सिर्फ उनको जो है नियुक्तियां देनी थी, वो सारे के सारे होल्ड पर है। हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट की स्क्रीनिंग कमेटी है, इसने अभी तक कोई तकरीबन 34 के करीब मदों को स्क्रीनिंग कमेटी ने इलेक्शन कमीशन को भेजा है कि उसमें परमिशन मांगा है। इसमें अगर मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बताऊं, तो इसमें हमारा जो डिपार्टमेंट वाइज जो परमिशन के लिए इलेक्शन कमीशन के पास लंबित है, लंबे समय से लंबित है, इंडस्ट्री का एक है, एजुकेशन के 4 मामले हैं, और अर्बन डेवलपमेंट के 2 मामले हैं, ट्रांसपोर्ट जैसे डिपार्टमेंट में जहाँ पर टायर लेना होता है, ट्यूब लेना होता है, बगैर उसके जो है ट्रांसपोर्ट ठप हो जाता है, उसका मामला पेंडिंग है। PWD में जहाँ पर हमारे सड़कों को आजकल जो रीसर्फेसिंग करने का सीजन आ गया है, और इसका मामला भी जो है इलेक्शन कमीशन के परमिशन के लिए जो है लंबित पड़ा हुआ है। और इसी तरह से अभी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का है, आजकल जो है हमारे मौसम है जहाँ पर न्यू प्लांटेशन की ज़रूरत है, ये मामला भी इलेक्शन कमीशन के पास जो है पड़ा हुआ है। हमारे पास लैंग्वेज एंड कल्चर डिपार्टमेंट का एक मामला है, पर्सनल के एक मामला है, और हॉर्टिकल्चर का एक है, और हमारे पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के 2 हैं, SAD के 2 हैं, SWD के 1 है, होम डिपार्टमेंट के 3 हैं, जल शक्ति विभाग का 1 है, हेल्थ डिपार्टमेंट के 2 हैं, एक्साइज का 1 है, और PNS का 1 है। कुल मिलाकर जो है करीब जो 34 में से अभी 27 मामले वहाँ पर लंबित पड़े हैं। तो हमें ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है हिमाचल के साथ एक किस्म से न्याय नहीं कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि कुछ हमारे साथ जो है सौतेला व्यवहार जो है इलेक्शन कमीशन का हमारे हिमाचल प्रदेश के साथ हो रहा है। और इस जो है एक तो हमारा चुनाव जो है आखिरी चरण में है, जो 7वें चरण में है, और ये सारे के सारे रूटीन के काम है, कोई भी नए काम नहीं है, और ये बहुत ही अर्जेंट नेचर के काम है। अगर जिनको अगर समय रहते हुए नहीं किया तो पूरे के पूरे इलाके के लोगों को भारी नुकसान जो है उठाना पड़ेगा। अब स्कूलें उसी से सारे कंप्लीट हो गए, सिर्फ हम कह रहे हैं कि हम इनको नियुक्त करने की परमिशन दी जाए। करीब 1000 से ज़्यादा जो है टीचर्स इसमें जो है फंसे हुए हैं इस परमिशन ना मिलने के कारण। इसी तरह से जो है और डिपार्टमेंट्स के काम है, एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में 40,000 जो है स्कूलों के लिए डेस्क का टेंडर करना है, उसकी भी परमिशन नहीं मिल रही है। तो मैं जो है इस किस्म के जो मुद्दे हैं, जो प्रदेश के लोगों के आम जो है समस्या के साथ आम और इसके विकास के साथ जुड़ा हुआ है, हम इलेक्शन कमीशन से आपके माध्यम से दोबारा से जो है उनसे निवेदन करते हैं कि हमारे जितने भी पेंडिंग
केसेस है, जैसे कि अब हमने जो इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना के तहत 1500-1500 रुपये जो है पात्र महिलाओं को देने के लिए स्कीम शुरू की थी, भाजपा ने कोशिश की कि इसको जो है इलेक्शन कमीशन के माध्यम से ये जो स्कीम को प्रोसेस करने का जो फॉर्म भरने का जो कार्यक्रम है उसको रुका जाए, परंतु हमें इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करना है कि उन्होंने हमें परमिशन दी है। परंतु 48,000 फॉर्म जो हमारे पास ऑलरेडी आ चुके थे उनका जो प्रोसेस भी हो गया है, उसमें जो है पैसा जो हमने इन पात्र व्यक्तियों को देना है उस पर भी हमने परमिशन मांग रखी है, वो परमिशन भी अभी तक नहीं आया है। तो इस किस्म के जो हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाहर है या अर्जेंट जो ज़रूरत है, अर्जेंसी है, रोड में टारिंग की ज़रूरत है, खड्डे पड़े हुए हैं पूरे के पूरे, सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण ज़्यादातर हमारे सड़कें जो है आज रिसर्फेसिंग की ज़रूरत है, ऐसे ऐसे कार्यों पर जो है हम कह रहे हैं कि तुरंत जो है इलेक्शन कमीशन फैसला ले, अन्यथा हमें ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है हमारे जो ज़रूरी काम है उनके ऊपर गौर नहीं कर रही है। धन्यवाद।